वोट को कह रहे, वोट खेलने नहीं आता लेकिन आएंगे तुमको तो वोट ठीक है, हराओ देखते हैं। ठीक है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्या बोलूँ, घर में तो फिलहाल कोई है नहीं, मैं ही अकेली अभी जस्ट मैं बाल धोकर के नहा करके आई हूँ। नीचे बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, सच्ची पूछो तो, इसलिए मैं सोची कपड़ा सुखाने तो जाऊँगी, ऊपर मैं आराम से आधा एक घंटा बैठ भी जाऊँगी क्योंकि मोना तो अब तक आए नहीं, इसलिए मोना जब आएगी उसके बाद ही मैं नीचे जाऊँगी, तब तक धूप में बैठ जाती हूँ। भाई थक गई मैं ऊपर आते आते, क्या ही बोलूँ, मोना जैसे है ना, मैं मोना को नीचे तो गई लेने के लिए, गेट खोलने के लिए, वैसे मैं कैन जैसे ऊपर रखा ना, मैंने कैन का पानी थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो मेरे ऊपर गिर गया, टी शर्ट मेरी पूरी गीली हो जाती है। मैं जस्ट अभी टी शर्ट चेंज करके आई और बाल बांध करके आई, क्योंकि बाल भी मेरा सूख गया था, सोची इसी बहाने बाल भी बांध करके ऊपर चले जाऊंगी। तो मोना आ चुकी है फिलहाल, अभी मोना तो हमारी कैमरा मैन है, और कुछ ज़्यादा ही धूप लग रहा है यार आज तो मेरे को, तो अभी सोच रही आराम से धूप में बैठूंगी छत पे। तो मैं और मोना थी, तो ये लोग भी आ चुके हैं। हरी निशु किधर गया? निशु कोट पहने के लिए घर गया, वो बस आ रहा है, तभी सोचा हम लोग धूप में बैठ करके क्या ही काम करें, तो उससे अच्छा हम लोग कैरम बोर्ड लेकर के बैठ चुके हैं, अभी खेलेंगे हम लोग कैरम बोर्ड। निशु आ रहा है, बस उसका ही चांस है, वैसे अच्छे खासे कैरम बोर्ड खेल लेती हूँ मैं, इस बोर्ड को कैरम बोर्ड खेलने नहीं आता लेकिन अच्छा, आएंगे तुमको तो बोर्ड ठीक है, हराओ देखते हैं, मेरे को तो बहुत अच्छे से आता है खेलने के लिए, बोर्ड है एकदम नोबडी बोर्ड ठीक है, तू ही बोर्ड है, मेरे को बोल रहा बोर्ड। निशु भी आ चुका है खेलने के लिए, हमारा वैसे गेम तो स्टार्ट था 2-3 मिनट पहले से ही। अच्छा 20 आ गया, नीचे तो आगे मैं काफी अच्छा खासा धूप लगा लिया भाई, मन भर गया धूप लगा दिला, अभी तो फिलहाल कैरम बोर्ड खेल रहे थे सबको बैठ करके साथ में, निशु भी चला गया, हरी भी चला गया, तभी मैं तो नीचे आ गई हूँ, मोना तो कब का नीचे आ गई थी, अच्छा खेलती है ये भी, इतने अच्छे से नहीं आता इसको खेलने में, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा आता है खेलने के लिए, क्या लेकिन हार गई मैं, इतना बात ये है लास्ट में मैं ही निकलना पड़ा मेरे को ही खेल करके। फिलहाल अभी तो टीवी चल रहा है हमारा, टीवी देखेंगे, और मैं ना नमकीन चावल चढ़ा करके छत पर गई थी, फिलहाल हमारा नमकीन चावल तो हो चुका है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ आज मैं नमकीन चावल, क्योंकि पिछले बार बनाया था ना तो मेरा चावल जल गया था यार, पानी कम पड़ गया उसमें जल गया चावल, इसलिए इस बार मेरे को मोना ने बताया कि इतना पानी डालना है, देखते हैं कैसा बनता है आज का नमकीन चावल। मैं तो अभी छत पे आ गई कपड़े उठाने के लिए, योगेश कह रहे पहले से मेरे को उठा करके रखना है कपड़े, नहीं तो वो आता है फिर मेरे को डांटता है, बोलता है तू घर में पूरे दिन रहती है करती क्या है आखिर, कम से कम शाम होने से पहले कपड़े तो उठा लिया कर छत पर से, कल भी मेरे को उसे डांटा था कपड़े के चक्कर में, गुस्सा हो गई थी मैं उससे यार, डांट देता मेरे को, मैं उसे बोलती हूँ हाँ मैं उठा करके ला लूँगी, लेकिन फिर वो मेरे को डांट देता है, बताओ भाई मैं कपड़े उठा करके नीचे जाऊँगी, योगेश बस आने ही वाले हैं अब। अभी मैं और योगेश मिल करके ना आज इडली बना रहे, फर्स्ट टाइम बना रहे हम दोनों मिल करके, फिलहाल किचन की हाल तो बेहाल हो रखी है, क्या ही बोलूँ, इन सब चीज़ों में तो हो ही जाती है। योगेश अभी फिलहाल मिर्ची काट रहे हैं, इनको छौंक लगाना है, इडली बनी तो बहुत अच्छी है, मैंने एक पीस तो खाया, बहुत ही अच्छी बनी है, ये शायद हो गया मेरे ख्याल से, देखो ढक्कन हटा दूँ क्या, इसमें तो दो ही है, दो है नीचे, और है नहीं अभी, बंद कर इसको कदम है, बंद कर दो, हुई नहीं ना अभी, ठीक है तो फिर हो जाएंगे, तब तक इसको छौंक लगा दो, ये नहीं कढ़ाई साथ में लगाओगे, हाँ ठीक है साथ में लगा देना। हमारा इडली तो रेडी हो चुका है, योगेश ने इसमें छौंक तो लगा दिया है, ये फर्स्ट टाइम बनाया है उन्होंने, पता नहीं कैसा बनाया, मैं खा करके देखती हूँ कैसा बनाया है। खाना पीना तो हो गया हमारा, और मैंने बर्तन भी धो करके रख दिया है, काफ़ी अच्छा इडली बनाया योगेश ने छौंक लगाने के बाद, और भी ज़्यादा अच्छा लगा खाने में। तो ये सारे कपड़े मैं झाड़ती हूँ समेट करके रखना है भाई, 2-3 कपड़े तो नीचे भी गिर गए, मेरा मन नहीं कर रहा वैसे, लेकिन अभी मेरे को समेटने का इन सबको, मैं सोच रही हूँ कि सुबह समेट करके रख दूँगी, वैसे भी इस रूम को तो मैंने अच्छे से सेट करके रखा है, ऊपर वाला रूम तो अभी का वैसा ही, अब मोना आएगी ना कल तो साथ में दोनों मिल करके सोच रहे हैं कर लेंगे, वैसे तो योगेश किधर गए पता नहीं, योगी पता नहीं किधर चले गए, शायद बाहर चले गए, वो मैं रूम का लाइट बंद कर देती हूँ और जा रही हूँ अब मैं ऊपर एडिटिंग करने के लिए, सबसे अच्छा एडिटिंग कर लूँगी उससे अच्छा यार क्या ही करूँ, नीचे मैं ना ऊपर आ गई, सोच रही एडिटिंग कर लूँ यार, 9:30 बजने पे आ गई, ज़्यादा टाइम तक रहती हूँ ना तो मेरे को ठंडी लग जाती है, तभी मैं सोच रही हूँ कि आज अपने टेडी बियर को ना नीचे लेके जाऊँगी, अपने साथ रखूँगी, इसको सुलाऊँगी अपने पास, कोई है क्या ऊपर, भाई मेरे को तो डर भी लगा, ऐसा लगा मेरे को कोई है क्या ऊपर, मैं अपने टेडी बियर को आज लेके जाऊँगी अपने साथ। इस रूम की हालत भी ना बहुत गंदी हो रखी है, देखो पूरा रूम ऐसे कैसे ही बिखरा पड़ा है, चीज़ों का जो सामान आया था ना हिसाब से वो ऐसे कैसे ही बिखरा पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ अपने टेडी बियर को अपने साथ ले जाऊँगी आज यार, मैं बच्चों के कारण ना मैं अपने साथ नहीं रखती इसे, अरे भाई उठ जा मोटू साले, भाई इतना ज़्यादा बड़ा है ना क्या ही बोलूँ, अच्छा मैं इसे अपने साथ लेके जाऊँगी आज, नीचे सुलाऊँगी मैं इसको अपने साथ में,
व्लॉग तो एडिटिंग हो चुकी है। आई होप आप लोगों को भी मेरी व्लॉग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो व्लॉग को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। आप लोगों को ऐसे डेली व्लॉग देखने के लिए मिलेगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ना, ताकि आप लोगों के पास डेली मेरी व्लॉग पहुंच जाए। तो आज का व्लॉग मैं यही पेंट करती हूँ, कल फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, अभी के लिए चलती हूँ, बाय बाय।